पॉलिटिकल इश्यूज पे वापस आती हूँ महागठबंधन जो है जिसका मजाक उड़ाया जाता था ऐसे लग रहा है कि जैसे वो बनता जा रहा है लेकिन चंद्रबाबू नायडू कहते हैं कि जो का जो का गठबंधन बन रहा है उसका समर्थन मोदी जी दे रहे हैं तो इसमें आप बता सकते हैं क्लैरिटी दे सकते हैं क्या क्या आप KCR के के गठबंधन को समर्थन दे रहे हैं मैंने मेरे ध्यान में कोई आया नहीं है कि अभी केसीआर का कोई गठबंधन बना है और बन रहा है मेरे ध्यान में नहीं आया और मैंने और मेरा इतना ज्ञान हो तो संभव नहीं है अब उनका तेलंगाना के प्रति जो द्वेष भाव पड़ा हुआ है और अभी चुनाव में तेलंगाना की जनता ने जिस प्रकार से उनका हाल बेहाल कर दिया है तो उनकी पीड़ा कहीं झलकती होगी तो उनका प्रॉब्लम है मैं इस विषय से पूरी तरह अनभिज्ञ हूँ दूसरा विषय है आखिर महागठबंधन महागठबंधन ये क्यों बन रहा है पांच साल हो गए महागठबंधन ने देश के सामाजिक आर्थिक विषयों को लेकर के कुछ सोचा हो कुछ कहा हो एक स्वर से कहा हो, ऐसा हुआ है क्या नहीं हुआ है अभी भी उनके यहाँ से दो दो स्वर निकलते हैं भिन्न बिन भिन्न स्वर निकलते हैं और आखिरकार हो लोग हो गए हैं ये खुद के बचाने के लिए मैदान में सहारा ढूंढ रहे हैं एक दूसरे को हाथ पकड़ो बच जाएंगे तो ये खेल चल रहा है उनका इरादा एक मात्र मोदी है मोदी को ये करो मोदी को वो करो आप अखबार निकाल दीजिए पहला पेज तो एक नेता बोलेगा मोदी ऐसा है मोदी वैसा है दूसरा पेज दूसरा नेता बोलेगा मोदी है मोदी वैसा है आप अखबार के दस पेज निकाल दीजिए दस अलग अलग गठबंधन के साथी अलग अलग स्वर में गालियां देते रहते हैं क्या करेंगे क्यों करेंगे देश के लिए क्या करेंगे ऐसे कोई दृष्टि नहीं है ये तो गठबंधन वाले खुद कहते हैं कि कोई आइडियोलॉजिकल यूनिटी नहीं है बट एनीबॉडी बट मोदी मतलब ये उनका लाइन है कि एनीबॉडी बट मोदी इसलिए वो किसी के साथ भी जुड़ जाएंगे तो जो 2019 का चुनाव है वो एनीबॉडी बट मोदी वर्सेस मोदी होगा ये आप मान के चल रहे हैं कि ये आप इस चुनाव को एक चैलेंज मानेंगे कि एनीबॉडी बट मोदी एंड मोदी देखिए भारत की जनता चुनाव का दिशा निर्धारित करने वाली है भारत की जनता चुनाव का एजेंडा तय करने वाली है भारत की जनता के एस्पिरेशन के साथ कौन है और भारत की जनता के एस्पिरेशन के खिलाफ कौन है ये चुनाव का मानदंड बनने वाला है देश की जनता जानती है कि ये पहले डिसेंट्रलाइज करप्शन था जो राज्यों में बैठे थे वो राज्यों को लूटते थे जो सेंटर में बैठे थे सेंटर को लूटते थे अब वो सेंट्रलाइज करप्शन हो रहा है सब मिलजुल कर रहे राज्य को लूटने वाले भी आ रहे हैं और केंद्र को भी लूटने आ रहे हैं तो देश की जनता तय करेगी कि ये सब लूटने वालों की ताकत इकट्ठी हो रही है उसके साथ जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है और इसलिए जनता वर्सिज गठबंधन होने वाला है मोदी तो जनता जनार्दन के प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक है और कुछ नहीं है तो आप तो बहुत ही हम्बल हो रहे हैं इस मामले में क्योंकि राजनीतिक विशेषज्ञ तो कह रहे हैं दैट इट इज गोइंग टू बी लाइक अ प्रेजिडेंशियल इलेक्शन जहाँ पर मोदी एक तरफ और राहुल गांधी एक तरफ आप क्या कहेंगे मानेंगे मैं स्पष्ट मानता हूं कि इस बार का चुनाव देश की जनता की आशा आकांक्षाएं उसको बढ़ाएगा कौन वो जनता तय करेगी उसको नहीं बढ़ाएगा रुकावट पैदा करेगा सत्तर साल का अनुभव क्या है वो भी जनता तय करेगी जनता ही इस बार निर्णायक है